हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेंद्रा विरुद्ध ब्रह्मास फॉर सक्सेस। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने हमारा जो एफबी का पेज है वो लाइक कर ही दिया होगा, साथ ही में इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर रहे होंगे और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। वेलकम यू अगेन वंस अगेन इन आवर टुडे सेशन ऑफ विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू। अब देखिए, ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज, वर्ड बेड्रागल जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है अनकैम्प्ड और अनटाइडी, हिंदी में कहे तो मैला। हमने आपसे पूछा था जो यहां पर मिसिंग सिनोनिम और जो मिसिंग एंटोनिम है वो क्या है। अब देखिए, ये रहे हमारा जो सही जवाब है और साथ में जो सही जवाब देने वाले वो क्या चैंपियंस है वो भी। द मिसिंग सिनोनिम इज डर्टी, द मिसिंग एंटोनिम इज नीट, और ये रहे हमारे वो क्या चैंपियंस, ये है मिस्टर रूपेश कुमार, मिस्टर मनीष प्रकाश और एक बार फिर से मिस्टर नितिन धनसोडिया। अब देखिए, हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हमारा विजुअल वोकैबुलरी अपलोड होता है, जिससे कि आप वो पहले लोग बन सकते हैं जो कि सही जवाब दे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी फोटो जरूर होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ होनी चाहिए ताकि हम विजुअल वोकैबुलरी में आपको एज अ वोकैब चैंपियन दिखा भी सके। सो वंस अगेन इन तीनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब हम चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा हमारा आज का पहला शब्द, यह है ग्रेवली। ग्रेवली एक एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण है, इसका अर्थ है वेरी मच और डेस्परेटली, हिंदी में कहें तो गंभीरता से। तो जो ग्रेवली है, देखिए ये एक क्रिया विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, गंभीरता से। तो सिनोनिम्स आर डीपली और सीरियसली, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है डीपली या फिर सीरियसली। द एंटोनिम्स आर लाइटली और कामली, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है लाइटली या फिर कामली। अब देखिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा है ही टेक्स हिज जॉब ब्लैंक स्पेस, यानी कि देखिए ये जो बंदा है वैसे ये अपना काम, अपना जो कार्य है देखिए वो बहुत ही गंभीरता से लेता है और देखिए ये लगा हुआ है टाइपिंग करने में। अब बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा होना चाहिए, ग्रेवली, तो बाकी क्या हो जाएगा, ही टेक्स हिज जॉब ग्रेवली। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है क्वेकरी। जो क्वेकरी है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है शार्लटनिज्म या फिर नीम हकीमी, आप इसको ट्रिकरी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो जो क्वेकरी है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है ट्रिकरी या फिर शार्लटनिज्म या फिर हिंदी में कहे तो नीम हकीमी। तो सिनोनिम्स आर इंपोस्चर और डिसेप्शन, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है इंपोस्टर या फिर डिसेप्शन। द एंटोनिम्स आर रियलिटी और फ्रैंकनेस, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है रियलिटी या फिर फ्रैंकनेस। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा है द ब्लैंक स्पेस ऑफ द मिस्चीवियस मैजिशियन चेंज द बेकरी वर्कर इनटू अ डॉग। तो यानी कि यहां पर आपको देखिए जो डॉगी दिख रहा है, एक्चुअली में ये एक बेकरी वर्कर था जिसको कि एक जादूगर ने अपनी नीम हकीमी से एक डॉग बना दिया। सो एक्चुअली में ये एक बेकरी वर्कर था जिसको कि डॉग बना दिया गया नीम हकीमी से एक जादूगर की। तो बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा होना चाहिए, क्वेकरी, तो बाकी क्या हो जाएगा, द क्वेकरी ऑफ द मिस्चीवियस मैजिशियन चेंज दिस बेकरी वर्कर इनटू अ डॉग। वी होप कि ये वापस बेकरी वर्कर बन जाए। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा अगले शब्द, ये है क्वैगी। जो क्वैगी है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है सॉफ्ट, हिंदी में कहे तो दलदली या नरम। तो जो क्वैगी है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है सॉफ्ट या फिर दलदली या नरम। सिनोनिम्स आर राइट हियर, दे आर कुशनी और स्पॉन्जी, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है कुशनी या फिर स्पॉन्जी। द एंटोनिम्स आर हार्ड और इनफ और हार्ड और रफ, सॉरी। तो जो इसके विलोम शब्द देखिए वो है हार्ड या फिर रफ। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा है द ब्लैंक स्पेस रोज ब्लू अप इन पीसेस, यानी कि देखिए ये जो नरम सा जो रोज है ये ब्लो अप कर गया, यानी कि ये उड़ गया, देखिए एकदम पीसेस में आ गया, एकदम तितर बितर छितर गया इनफैक्ट। अब बताइए, इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए, क्वेगी, क्योंकि हम नरम दिखाना चाह रहे हैं। बताइए, तो वाक्य क्या हो जाएगा, द क्वेगी रोज ब्लू अप इन पीसेस। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है आउस्ट। जो आउस्ट है देखिए वो एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है गेट रिड ऑफ या फिर बेदखल। तो जो आउस्ट है वो एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, बेदखल। द सिनोनिम्स आर डिपोज और एवेक्ट, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है डिपोज या फिर एवेक्ट। द एंटोनिम्स आर ऑफर और रिटेन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है ऑफर या फिर रिटेन। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा है ही वॉज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द टूर्नामेंट फॉर ब्रेकिंग द बास्केटबॉल पोल। पर आप देखिए यहां पर एक प्लेयर आपको दिख रहा होगा और ये भाई साहब एक बास्केट करते हैं और फिर ये लटकने लग जाते हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि इंसान वानर से ही
आगे उसका बेसिकली जो वानर था एक्चुअली जो मंकी था वो इंसान का एंसेस्टर था, ये वही दिखाना चाह रहे थे। और देखिए पूरा फ्लैग इनफैक्ट ये बास्केटबॉल पोल था वो इनपे गिर भी गया, ये चोटिल भी हो गए और इनको टूर्नामेंट से निकाल भी दिया गया फाइन के तौर पर। खैर अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन था चाहिए आउट, तो वाक्य क्या हो जाएगा, ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम द टूर्नामेंट फॉर ब्रेकिंग द बास्केटबॉल पोल। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर, देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है स्लमी। जो स्लमी है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है पुअर या फिर घटिया, यानी कि जो स्लमी है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है घटिया। द सिनोनिम्स आर डैमेज्ड और फेडेड, यानी कि जो उसके पर्यायवाची है देखिए वो है डैमेज्ड या फिर फेडेड। द एंटोनिम्स आर स्टेबल और रिपेयर्ड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है स्टेबल या फिर रिपेयर्ड। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि आपको काफी कह सकते हैं घटिया का इन द सेंस बहुत ही गंदा हुआ या फिर कह सकते हैं आप बहुत ही डैमेज किस्म का एक फाउंटेन दिख रहा होगा, और इसी के संदर्भ में लिखा है द ब्लैंक स्पेस फाउंटेन नीड्स रिपेयरिंग, यानी कि ये जो डैमेज किस्म का जो देखिए जो इनफैक्ट काफी वेदरिंग हो गई है, तो ये जो डैमेज किस्म का फाउंटेन है इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा चाहिए स्लमी, तो बाकी क्या हो जाएगा द स्लमी फाउंटेन नीड्स रिपेयरिंग। अब अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आगे हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इलेशन। जो इलेशन है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हिंदी में कहे तो प्रसन्नता। तो जो इलेशन है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है प्रसन्नता। द सिनोनिम्स आर ब्लिस और एक्सटेसी, और जो यानी कि जो उसके पर्यायवाची है देखिए वो है ब्लिस या फिर एक्सटेसी। द एंटोनिम्स आर सोरो या फिर वो, यानी कि जो उसके विलोम शब्द है वो है सोरो या फिर वो। अब यहां पर आपको दो लोग खेल रहे होंगे, देखिए ये देखिए बहुत बढ़िया शॉट मारा और ये रहा इनका प्रसन्नता पूर्वक, इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्रसन्नता। आप देखिए तो हम यहां कहना ये चाह रहे हैं कि दो लोग यहां पर गोल्फ खेल रहे थे, अब देखिए और कितना खुश होता है एक जो इंसान जो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ ब्लैक शर्ट में है वो कितना खुश हो रहा है कि ब्लू शर्ट वाले ने इतना बढ़िया शॉट मारा, और देखिए बिल्कुल उछालते हुए मारा चला भी गया शॉट बॉल वहां से। वही हमने यहां लिखा है ही एक्सप्रेस्ड हिज ब्लैंक स्पेस एट द सक्सेस ऑफ हिज फ्रेंड, तो यहां पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है इस ब्लैक शर्ट वाले इंसान के चेहरे पर जैसे ही उसका ये ब्लू शर्ट वाला फ्रेंड शॉट मारता है। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आएगा इलेशन, तो बाकी क्या हो जाएगा ही एक्सप्रेस्ड हिज इलेशन एट द सक्सेस ऑफ हिज फ्रेंड। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर, देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है डिस्क्रेपिट। तो डिस्क्रेपिट है ये एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है, इसका अर्थ है वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ एज, हिंदी में कहे तो वृद्ध, इनफैक्ट जो वृद्धता से जो कमजोरी आ जाती है उसको दर्शाना चाह रहे हैं यहां पे। तो जो डिक्रेपिट है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ एज, हिंदी में कहे तो वृद्धता से आई कमजोरी। तो सिनोनिम्स आर डिलैपिडेटेड या फिर क्रिपल्ड, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है डिलैपिडेटेड या फिर क्रिपल्ड। द एंटोनिम्स आर हेल्दी और स्टेबल, यानी जो उसके विलोम शब्द हैं वो है हेल्दी या स्टेबल। अब यहां पर आपको देखिए एक बूढ़ा किस्म का डायनासोर दिख रहा होगा जो कि काफी बहुत जोरदार रोर मार रहा है, लेकिन ये जो दो पेड़ जो कि वो आसानी से तोड़ देता था वो तोड़ नहीं पा रहा है, बस उनको मोड़ ही पा रहा है। इनफैक्ट ये अच्छा है आपके और मेरे दोनों के लिए। वही हमने यहां लिखा है द ब्लैंक स्पेस डायनासोर वाजंट एबल टू ब्रेक द ट्रीज। ओके अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए डिक्रेपिट, तो वाकई क्या हो जाएगा द डिक्रेपिट डायनासोर, यानी कि ये डायनासोर जो कि बूढ़ा हो गया कमजोर हो गया बुढ़ापे से ये पेड़ों को नहीं तोड़ पाया, तो वही हमने यहां बताया भी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर, देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है पिलेज। जो पिलेज है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है लूट, टू लूट हिंदी में गए तो लूटना। अब देखिए लूट एक ऐसा वर्ड है जो कि वंस अगेन जो इंडियन लैंग्वेज है जो हिंदी है उसने गिफ्ट किया है इंग्लिश को और वो यहां पे साफ साफ दिख भी रहा है। तो जो पिलेज है वो एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है टू लूट, हिंदी में गए तो लूटना। द सिनोनिम्स आर प्लंडर और डिसेक्रेट, यानी कि जो उसके पर्यायवाची है देखिए वो है प्लंडर या फिर डिसेक्रेट। द एंटोनिम्स आर रिसीव और बिल्ड, यानी जो उसके विलोम शब्द हैं वो है रिसीव या फिर बिल्ड। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा है द थीव्स ब्लैंक स्पेस द एम्प्टी पुलिस स्टेशन एंड स्टोल अ पुलिस कार विद अ स्वान इन इट। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो चोर थे देखिए ये दो लोग जो आपको चोर दिख रहे हैं यहां पे, इन दोनों चोरों ने एक खाली से पुलिस स्टेशन को लूट लिया और इन्होंने एक गाड़ी भी चुरा ली, देख सकते हैं आप ये पुलिस के यूनिफॉर्म में आ चुके हैं और साथ ही में जो गाड़ी इन्होंने चुराई उसमें पीछे एक हंस भी बैठा हुआ है और बैठा हुआ था बाय द वे। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा ना चाहिए पिलेज, तो बाकी क्या हो जाएगा द थीव्स पिलेज द एम्प्टी पुलिस स्टेशन एंड स्टोल अ कार विद अ स्वान इन इट। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर, देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है ईरिली। जो ईरिली होता है देखिए ये एक एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण होता है, इसका अर्थ है स्ट्रेंजली, हिंदी में कहे तो अजीब तरीके से। जो ईरिली है ये एक क्रिया विशेषण है,
और इसका अर्थ है अजीब तरीके से. नाउ द सिनोनिम्स आर वियर्डली और क्रीपीली, यानी जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है वियर्डली या फिर क्रीपीली. द एंटोनिम्स आर नेचुरली और प्लेजेंटली, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है नेचुरली या फिर प्लेजेंटली. अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसके संदर्भ में लिखा है द पुलिस रिट्रीटेड ब्लैंक स्पेस, यानी कि देखिए आपको पुलिस दिख रही होगी और ये पीछे इसके कदम पीछे होते जा रहे हैं और बहुत ही अजीब तरीके से ये पीछे हो रही है. देखिए ये इंसान गिर भी गया यहाँ पर, ऐसे पता नहीं कैसे ये लोग ये कार्य कर रहे थे. अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा होना चाहिए, ईरिली. तो बाकी क्या हो जाएगा फिर, द पुलिस रिट्रीटेड ईरिली. अब हम चलते हैं अफसोस आज के आखिरी शब्द की ओर. देखिए ये रहा आखिरी शब्द, ये है प्रून. जो प्रून है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है कट शॉर्ट या फिर छाटना. तो जो प्रून है वो एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, छाटना. तो सिनोनिम्स आर शियर और पोलार्ड, यानी कि जो इसके देखिए पर्यायवाची है वो है शियर या फिर पोलार्ड. द एंटोनिम्स आर एक्सेप्ट और इंक्लूड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है देखिए वो है एक्सेप्ट या फिर इंक्लूड. अब देखिए हुआ क्या है यहां पर, यहां सेंटेंस दिया हुआ है द प्लेयर वॉज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द टीम एज ही लेट एन ऑपोजिशन प्लेयर ऑफ द हुक. यहां जो प्लेयर जो रेड वेस्ट में है देखिए वो वाइड वेस्ट के पोजीशन को गार्ड कर रहा था और जैसे ही उसका ध्यान हटा वैसे ही देखिए वाइड वेस्ट वाला भाग के निकल गया. इसके कारण इस रेड वेस्ट वाले को अगले मैच से टीम ने ड्रॉप कर दिया, छांट दिया. वही हमने यहां बताना चाहा. बताइए इस ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आएगा, प्रून. तो वाक्य क्या हो जाएगा, द प्लेयर वॉज प्रून्ड फ्रॉम द टीम एज ही लेट एन ऑपोजिशन प्लेयर ऑफ द हुक. अब वक्त हो गया हमारे आज के वोकैब चैलेंज का, वो ये रहा आपका सामने. Now, here's the vocab challenge. The word is invigorate, being a verb, या कह सकते हैं क्रिया के तौर पर. इसका अर्थ है give strength or energy to. हिंदी में अर्थ है शक्ति बढ़ाना या फिर उत्साह बढ़ाना. जो दिया हुआ synonym या पर्यायवाची है वो है rejuvenate. जो दिया हुआ antonym या विलोम है वो है dissuade. आपको हमें यह बताना है कि यहां पे जो missing synonym और missing antonym है वो हमने आपको क्या बताया था पिछले सेशन में. अब दैट वॉज ऑल, दैट्स योर वोकैब चैलेंज. इन फैक्ट दैट वॉज ऑल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजुअल वोकैबुलरी. हम उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए. साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा एफबी का पेज है महेंद्रास के नाम से, उसको जरूर लाइक करें. और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बाकियों को बोले कि वो भी सब्सक्राइब करें. साथ ही में अगर आप चाहें कि महेंद्रा गुरु आपकी उंगलियों पर अवेलेबल रहे तो आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम विंडोज स्टोर. आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. Your success is our success. Thank you.